एक बार फिर अमेरिका शूटआउट से दहल गया। वॉशिंगटन के एक शॉपिंग मॉल में शुक्रवार देर रात कुछ हमलावरों ने गोलीबारी की। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। अधिकारी ने लोगों को बर्लिंगटन के कास्केड मॉल क्षेत्र में जाने से बचने की भी सलाह दी है। वॉशिंगटन स्टेट पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि संदिग्ध स्पेनिश भाषा बोलता है और ग्रे कलर के कपड़े में है। हालांकि हमलावरों की सही संख्या क्या है उसकी अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उनकी उम्र 20 से 25 साल है। हमलावरों को पकड़ने के लिए कास्केड मॉल के स्टोरों की तलाशी भी ली जा रही है। हमले के बाद आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई दुकानों को भी बंद कर दिया गया है और लोगों को भी ऐसे किसी संदिग्ध के दिखने पर जानकारी देने के लिए कहा गया है। वैसे इससे पहले भी 18 सितंबर को अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में एक शॉपिंग मॉल में चाकू से हमला कर दिया गया था। इस वारदात में 8 लोग घायल हुए थे। अमेरिका से एक के बाद एक शूटआउट की खबरें आ रही हैं जो वहां की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखते रहिए टीवी लाइव।